नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। वर्तमान समय में संपूर्ण विंध्य क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अघोषित बिजली कटौती से किसान, व्यापारी व आमजन बुरी तरह परेशान है। इसको लेकर विंध्य पुनरोदय संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ज्ञापन देकर बिजली की समस्या को अवगत कराने पहुंचे। विंध्य पुनरोदय संयुक्त मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता वंदना द्विवेदी ने बताया कि ऊर्जा मंत्री के नहीं मिलने पर हमने उनके ओएसटी को ज्ञापन दिया है। इसके साथ वंदना द्विवेदी ने विंध्य को पृथक प्रदेश बनाए जाने की बात कही है। हम लोगों की मांग, बिजली की समस्या को लेके आज माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। विंध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, तो आज नारायण भैया के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह ज्ञापन देने का कार्यक्रम बना था हम लोगों का। माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी के इधर हम लोग गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उनके ओएसडी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि माननीय मंत्री जी को अवगत कराएं कि इस तरह की समस्या बिजली की है, तो सारे लोगों अपनी बिजली कंपनियों को किस तरह से कंट्रोल करना है वो माननीय मंत्री जी अब इस पर विचार करें। जी, नारायण त्रिपाठी जी आज किसानों की और लोगों की समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया था, तो सभी जगह ज्ञापन दिया जा रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम वंदना द्विवेदी है और मैं विंध्य निर्माण मंच की प्रवक्ता हूँ प्रदेश के। थैंक यू। जी, हम लोग पृथक विंध्य प्रदेश की मांग भी कर रहे हैं, उसी मंच के तहत आज हम लोगों ने बिजली की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया था। जी, हम लोग चाहते हैं कि हमारा विंध्य प्रदेश पहले था उसी तरह से हमारा पृथक विंध्य बने, तो वहाँ की जो भी समस्याएं हों वो दूर हों।